ये कहानी है सरस्वती और इंद्र की। सरस्वती एक ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करती है और वो एक लाइब्रेरियन है। वो थोड़ी ओल्ड फैशन थी, इसलिए उसे देखने आने वाले हर लड़के उसे रिजेक्ट कर देते थे। दूसरी तरफ सरस्वती की छोटी बहन कावेरी का ऑलरेडी एक लड़के के साथ रिश्ता तय हो गया था, लेकिन सरस्वती के पापा बहुत स्ट्रिक्ट है। वो अपनी बड़ी बेटी के शादी कराए बिना अपनी छोटी बेटी की शादी करना नहीं चाहते थे, इसीलिए कावेरी अपनी बहन के ऊपर नाराज रहती थी। सरस्वती को सब सरू कहकर बुलाते थे। सरू के बिल्डिंग में ही इंदर रहता था। इंदर एक लॉयर था। बचपन में इंदर की नैनी मिस लिली के साथ उसके चाचा ने शराब पीकर बदतमीजी किया था और एक्सीडेंटली मिस लिली के हाथों की मौत हो गई थी। इस मर्डर का इल्जाम इंदर ने अपने ऊपर ले लिया था। इंदर के पापा एक बहुत बड़े क्रिमिनल लॉयर थे, पर उन्होंने इंदर का केस लेने के लिए मना कर दिया और इंदर को जेल जाने दिया। 13 साल की उम्र में इंदर की जेल हो गई और वो पूरे 8 साल के बाद जेल से बाहर आया था। मिस लिली मरने से पहले अपना अपार्टमेंट इंदर के नाम पर करके गई थी, इसीलिए इंदर जेल से आने के बाद मिस लिली के ही अपार्टमेंट में रहता था। इंदर का एक गर्लफ्रेंड भी थी जिसका नाम था रूबी। इंदर की क्रिमिनल रिकॉर्ड के वजह से पहले से सोसाइटी में कोई भी उसे पसंद नहीं करता था, और ऊपर से इंदर और रूबी का बिहेवियर सबको और भी परेशान करता था। सरू जिस लाइब्रेरी में काम करती थी, इंदर भी उस लाइब्रेरी में बुक्स लेने के लिए जाता था और सरू उसे बुक्स रिकमेंड करती थी। सरू के पेरेंट्स कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गए थे और कावेरी के फियांसे सरू को देखने के लिए एक लड़के को लेकर आया था। उसने पहले से ही सरू के पापा से इस बात की परमिशन ले लिया था, पर वो लड़का जब सरू को देखता है तब उसे सरू बिल्कुल पसंद नहीं आती है। इस बात को लेकर कावेरी के साथ उसके फियांसे का झगड़ा हो जाता है और उसके फियांसे उसे कहता है अगर वो उससे शादी कर उसके साथ यूएसए नहीं जा सकती तो वो ये रिश्ता तोड़ देगा। और इसके बाद कावेरी सरू पर बहुत गुस्सा हो जाती है। सरू उससे प्रॉमिस करती है कि वो कुछ ना कुछ जरूर करेगी। इंदर की गर्लफ्रेंड रूबी एक स्टाइलिश थी। सरू उससे मेकओवर के लिए एक अपॉइंटमेंट लेना चाहती थी, पर इसके लिए उसे 3 महीने का वेट करना पड़ेगा, लेकिन उसके पास इतना वक्त नहीं था। लेकिन वहाँ से सरू को पता चलता है कि रिकमेंडेशन से ही कुछ हो सकता है, इसीलिए सरू देर रात को इंदर से मिलने जाती है ताकि कोई उसे देख ना पाए। सरू इंदर से कहती है कि वो रूबी से उसका मेकओवर करने के बारे में बात करे। वो लोग जब बात कर रहे थे तब अचानक बाहर रूबी आ जाती है और उसने बहुत शराब पीकर रखा था। वो उन दोनों को एक साथ देख कर उसे उन दोनों को लेकर गलतफहमी होती है और गुस्से में वो सरू को बहुत बुरा भला कहती है और उन दोनों की तरफ वाइन का बॉटल फेंकती है जिसमें इंदर घायल हो जाता है। सरू इंदर की मदद करने की कोशिश करती है और उसके साथ डॉक्टर के पास जाती है। वापस आकर इंदर को ठीक से लेटने में उसकी मदद कर रही थी। दूसरी तरफ सरू के पापा भी उस दिन घर लौट आते हैं और उन्हें लेकर सोसाइटी के सभी लोग इंदर के अपार्टमेंट पर आते हैं और वो लोग सरू को इंदर के साथ देख लेते हैं और उन दोनों को गलत समझते हैं। वो लोग जब रात को बाहर गए थे तब बिल्डिंग के वॉचमैन ने उन दोनों को एक साथ देख लिया था और उसने सोसाइटी के सेक्रेटरी को इस सब के बारे में बताया, इसीलिए सुबह सुबह वो सब इंदर के अपार्टमेंट पर आए थे। सरू के पापा उसे गलत समझते हैं और उसे घर से निकाल देते हैं। सरू की मम्मी उससे फोन पर बात करती है। सरू अपने माँ को कहती है कि उस रात असल में क्या हुआ था और सरू उनसे कहती है पापा को बिना बताए उसे आगे से फोन ना करे और वो घर ढूंढने की कोशिश करती है पर उसे कहीं भी घर नहीं मिलता। उसके बाद इंदर उसके लिए एक घर ढूंढता है। एक दिन इंदर और सरू बाहर गए थे और सरू देखती है कि एक आदमी के पॉकेट से उसका वॉलेट गिर गया है और वो उस आदमी का वॉलेट वापस करने जाती है और इंदर उस पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि इंदर का पापा ही था और इंदर अपने पापा से नफरत करता है और वो इस बात का गुस्सा सरू पे उतार देता है और उसे धक्का मार कर वहाँ से चला जाता है।
सरू इस बात पे बहुत गुस्सा होती है और वो घर नहीं लौटती। इंदर का गुस्सा शांत होने के बाद वो सरू को फोन करता है, पर सरू फोन नहीं उठाती। वो सरू से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है, पर वो वहाँ भी नहीं होती है। अपने बिल्डिंग के वॉचमैन से उसे पता चलता है कि वो अपने पापा के घर भी नहीं आई है। फिर बहुत ढूंढने के बाद इंदर को सरू मिलती है और वो उसे सॉरी कहता है। सरू को पता चलता है कि वो आदमी इंदर का पापा है। सरू इंदर को अपने पापा के साथ सुलह करने के लिए कहती है और इंदर उससे पूछता है कि उसके और उसके पापा के बीच सब कुछ कैसे ठीक होगा। सरू उससे कहती है कि वो अगर किसी IITian ब्राह्मण लड़के से शादी कर लेगी तो शायद उसे आशीर्वाद देने के लिए उसके पापा माफ कर देंगे। और सरू कहती है कि उस जैसे किसी बहन जी के साथ कोई शादी नहीं करना चाहता है। ये सुनकर इंदर सरू को मुस्तकिन भाई नाम के एक मेकओवर आर्टिस्ट के पास लेकर जाता है और वो सरू का बहुत अच्छा मेकओवर करते हैं, जिसके बाद सरू बिल्कुल बदल जाती है। मेकओवर करने के बाद सरू अपने फैमिली से मिलने के लिए जाती है, लेकिन वो अपने घर में जाकर देखती है कि उसके पापा उसका क्रियाकर्म का पूजा कर रहे हैं। सरू पहले से ही अभिमन्य नाम के एक लड़के को पसंद करती थी। सरू के मेकओवर करने के बाद अभिमन्यु भी सरू को लाइक करने लगता है और उसे प्रपोज करता है। जब इंदर को इस बारे में पता चलता है तब उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि वो भी सरू से प्यार करता था, लेकिन इंदर अपने मन की बात सरू को बताता नहीं है। अभिमन्यु और सरू की शादी तय हो जाती है, पर शादी के दिन अभिमन्यु रजिस्टर ऑफिस पहुंचता ही नहीं, इसीलिए सरू उससे मिलने के लिए उसके घर पर जाती है और वहां जाकर उसे पता चलता है कि अभिमन्यु के पापा अपने बेटे की शादी एक ऐसी लड़की से नहीं करना चाहते जिसके पिता ने पहले से ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। ये सुनकर सरू वहां से चली जाती है और उसके बाद वो उस रिसोर्ट में जाती है जहाँ पर उन लोगों ने हनीमून सुइट बुक किया था और इंदर भी उसके साथ था। सरू बिल्कुल टूट जाती है। वो दोनों सारी रात उस रिसोर्ट में रहते हैं। सुबह इंदर देखता है कि अभिमन्यु सरू से मिलने आया है और वो उसके साथ चली जाती है और सरू इंदर को सिर्फ एक मैसेज करती है कि अभिमन्यु उसे लेने आया था और वो उसके साथ जा रही है। उसके बाद इंदर सरू के साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखता है और वो उस शहर को छोड़कर जाने की तैयारी करता है। एक दिन सरू की माँ इंदर के पास काविरी की शादी का कार्ड लेकर आती है ताकि वो सरू को वो कार्ड दे सके, पर इंदर उनसे कहता है कि उसका और सरू का अब कोई कांटेक्ट नहीं है, पर वो उस कार्ड को सरू तक पहुँचाने के लिए राजी हो जाता है और वो उस लाइब्रेरी में जाता है जहाँ पर सरू काम करती थी। पर वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि सरू अब यहाँ नहीं आती है। इसके लिए वो अभिमन्यु के ऑफिस जाता है शादी का कार्ड देने के लिए और वहाँ जाकर इंदर को पता चलता है कि अभिमन्यु और सरू भी अब कांटेक्ट में नहीं है। अभिमन्यु उस दिन रिसोर्ट में सरू से मिलने आया था, पर उसके बाद सरू कहीं पर चली गई थी जिसके बारे में अभिमन्यु को भी नहीं पता है। उसके बाद इंदर मुस्तकिन भाई के मदद से सरू को ढूंढ निकालता है और सरू उसे एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में मिलती है। वहां जाकर इंदर सरू से कहता है कि वो उससे प्यार करता है, पर सरू उसके बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। सरू बेहोश हो जाती है और इंदर उसे उसी हॉस्पिटल पे लेकर आता है जहां का कार्ड सरू के पास था। वहां जाकर डॉक्टर से इंदर को पता चलता है कि सरू के ब्रेन में एक ट्यूमर है और अभिमन्यु से इंदर को पता चलता है कि शादी के बाद वो लोग टर्की जाने वाले थे और वीजा के लिए ब्लड टेस्ट करना जरूरी था और वहां से सरू के ट्यूमर के बारे में पता चलता है। शादी तोड़ने के बाद ही अभिमन्यु को इसके बारे में पता चला था। उसके बाद सारी रात उसने सरू को ढूंढा था और जब सरू उसे रिसोर्ट में मिली थी तब उसने सरू से एक सेकेंड चांस मांगा था, पर सरू ने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया और उसने अभिमन्यु से ये प्रॉमिस लिया कि वो इंदर को कुछ ना बताए और वहाँ से चली गई। सरू की बहुत इच्छा थी कि वो अपनी बहन कावेरी की शादी देखे, इसीलिए इंदर ने कावेरी की शादी के मंडप में कैमरास लगा दिया था और दूर से ही टीवी पर सरू ने अपनी बहन की शादी देखी। इंदर सरू को उससे शादी करने के लिए कहता है, पर सरू उसे मना कर देती है। उसके बाद सरू की तबीयत फिर से बहुत खराब हो जाती है और इंदर उसे हॉस्पिटल लेकर आता है।
रात को बहुत शराब पीकर इंदर सरू के घर पर जाता है और वहां जाकर वो सरू के पापा से कहता है कि वो सरू के फोटो पर ऐसे हार चढ़ाना बंद कर दे और उसे ऐसे मरा हुआ समझना भी बंद कर दे, और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। सुबह सोसाइटी के लोग पुलिस को इंदर के बारे में कंप्लेन करते हैं और पुलिस आकर इंदर को वहां से लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल से सरू का डिस्चार्ज हो जाता है, पर इंदर वहां पर नहीं आता। सरू उसका बहुत इंतजार करती है। उसके बाद वो उस लाइब्रेरी बुक रीइश्यू करने जाती है जहां पर वो काम करती थी, और वहां जाकर उसे पता चलता है कि वो इंदर को जो बुक्स रेकमेंड करती थी उस बुक्स के चेकआउट स्लिप्स पर इंदर सरू के लिए मैसेजेस छोड़ता था, और उसे पता चलता है कि इंदर पहले से ही उसे बहुत प्यार करता है। दूसरी तरफ इंदर भागने की कोशिश करता है पर पुलिस उसे पकड़ लेती है। इंदर इंस्पेक्टर से बहुत रिक्वेस्ट करता है और इंस्पेक्टर उसे सरू से मिलने के लिए लेकर आते हैं। हॉस्पिटल जाकर इंदर को पता चलता है कि सरू पहले से चली गई है, और उसके बाद सरू को ढूंढते हुए वो लाइब्रेरी आता है और इंदर से मिलकर सरू उसे शादी करने के लिए पूछती है। शादी से पहले सरू इंदर से कहती है कि वो जब मर जाएगी तब उसके फोटो में हार ना चढ़ा क्योंकि ये उसे पसंद नहीं, और वो सरू को एक फूल के पेड़ के नीचे दफना दे। उसके बाद इंदर फिर से सरू के पापा के घर जाता है और उनसे कहता है कि वो सरू के फोटो पर हार ना चढ़ाए, और वो कहता है कि वो दोनों शादी करने वाले हैं। अगले दिन सुबह जब वो दोनों रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचते हैं तब सरू के पेरेंट्स भी वहां आते हैं और उन दोनों को शादी के लिए आशीर्वाद देते हैं। शादी होने के बाद सरू फिर से बीमार हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में लेकर आते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कि सरू की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है और वो अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेगी। सरू के पापा को अपनी गलती का एहसास होता है और उन्होंने जो सरू के जीते जी क्रियाकर्म किया था उस बात का उन्हें पछतावा होता है। दूसरी तरफ इंदर अपने पापा से मिलने जाता है और उनके गार्डन में एक बहुत पुराना पेड़ था, उस पेड़ के नीचे थोड़ा जमीन मांगता है। इंदर के पापा को लगा कि शायद फिर से उसने किसी का खून किया है। इंदर के हाथों में सरू अपना दम तोड़ देती है और मरने से पहले वो इंदर को अपने पापा को माफ कर देने के लिए कहती है। सरू के मरने के बाद इंदर के पापा हॉस्पिटल आते हैं और इंदर को संभालते हैं। उसने सरू के विश के मुताबिक सरू को एक पेड़ के नीचे ही दफनाया था और उस पेड़ के पास आकर उसे सरू के होने का एहसास होता है। उसके बाद इंदर एक सक्सेसफुल लॉयर बनता है और वो अपने हर सक्सेस को सरू के साथ सेलिब्रेट करता है। इंदर सरू से कहता है कि वो उसके सक्सेस को देखकर बहुत खुश होगी, और वो उसे कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और उसे बहुत मिस करता है, और सरू के यादों में खो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।